अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए और मुझे उम्मीद है कि इस लेसन के अंदर जो कुछ हम पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा और आपके काम आएगा। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। आज हम कोरलड्रा S8 के बारे में पढ़ेंगे और कोरलड्रा S8 के अंदर ऑब्जेक्ट मेन्यूज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ऑब्जेक्ट के मेन्यूज़ के अंदर मौजूद ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। यहाँ पे ये नीचे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर तकरीबन जो ऑप्शन है वो सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मेन्यूज़ के अंदर रह के ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट बनाएं अभी या ना बनाएं वो मसला नहीं है, लेकिन चलो बना लेते हैं पहले। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ ये इसके अंदर एक दो ऑप्शन हमने छोड़े हैं, बिट मैप और ये ऑब्जेक्ट हिंटिंग का, ये आगे हम देखेंगे एडवांस के अंदर। तो इसमें हम आज सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ आ गई। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने आउटलाइन दी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब भी क्लिक होगा तो ये आउटलाइन, इसकी आउटलाइन के हवाले से ये चीज़ें हैं। तो इसकी आउटलाइन हम यहाँ से बड़ी कर सकते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट में इंचज़ में वर्क कर सकते हैं, इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आउटलाइन का, ठीक है। उसके बाद इस कलर के अंदर फिर ये डिफरेंट कलर हैं, ये अभी बताने की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। ये कलर अगर आपने करना है तो ये कर देना है, यहाँ से अगर कलर करना है तो ये आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ फिल में और आउटलाइन में डिस्कस की थी, इसलिए ज़्यादा इनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ से आप लाइन का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसको बड़ा करें थोड़ा, ये यहाँ पे, और अच्छा यहाँ पे मैं करना चाहता था ये लाइन का हो गया, मैं बताता हूँ। ये भी मीटर्ड कॉर्नर अभी फिलहाल यही सिलेक्ट है। अगर ये हम राउंडेड कॉर्नर पे सिलेक्ट करेंगे तो इसका कॉर्नर राउंड हो जाएगा, अगर बेवल पे सिलेक्ट करेंगे तो बेवल हो जाएगा। यहाँ से हम जितना इसको ज़्यादा करेंगे उतना ये बेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है जी, जिस तरह ये कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे, इसके लिए हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी, तो लाइन टू पॉइंट लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो टू पॉइंट लाइन को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा लंबा कर लेते हैं। अभी इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये मोटी होगी। अभी इसके कारण देखना, ये क्या कारण है जी, ये है स्क्वेयर कैप, ये राउंडेड कैप और ये एक्सटेंडेड कैप, ठीक है जी। तो इस तरह एक्सटेंडेड में ये इसका यहाँ पर हुआ, इसका थोड़ा सा आगे होता है, और राउंडेड में इसके सारे राउंडेड होते हैं यहाँ से आगे, और इसके अंदर ये जो लिमिट है ये यहाँ तक होती है। तो ये इसके लाइन के हवाले से थी कुछ चीज़ें। उसके बाद इसके अंदर ये जो आउटलाइन है ये सेंटर से ऊपर नीचे बराबर डिवाइड होगी, तो ये यहाँ पे अगर होगा, तो अगर आप इसको आउटलाइन को आप थोड़ा ज़्यादा करेंगे यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कर लेते हैं, तो ये छोटी हुई है अंदर, और अगर हम इसको ये करेंगे तो ये दोनों बराबर पायर बड़ी हुई हैं।
अगर इसके ऊपर हम रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये आउटसाइड आउटलाइन को बड़ा करेगा। जैसे हम यहाँ पर जाके इसको छोटा करेंगे तो ये बाहर वाली साइड से अंदर छोटा होगा। इसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो इनसाइड आउटलाइन, ये इनसाइड अंदर की साइड पर आउटलाइन को बड़ा करेगा या छोटा करेगा। जैसे अभी हमने बड़ा किया तो ये अंदर की साइड बड़ा हो रहा है, और छोटा करेंगे तो अंदर की साइड से छोटा हो रहा है। तो ये इसके ऑप्शन थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिल का। फिल का ऑप्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगर हमने इसके अंदर ये फिल कर दिया, ठीक है, इसके अंदर ये फिल है, सिंपल फिल, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला ये वाला ये वाला। तो ग्रेडियंट करना है तो यहाँ से हम ग्रेडियंट कर सकते हैं। ग्रेडियंट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि ग्रेडियंट की ये प्रॉपर्टी है सारी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये पैटर्न अगर हमने यूज़ करना है तो विक्टर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बिट मैप पैटर्न को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये टू कलर पैटर्न को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं। और कलर में ये हमारी जो क्लास थी दूसरी की, तीसरी क्लास थी जिसके अंदर हमने यहाँ पे फिल और आउटलाइन के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। फिल के बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर क्या होती है, वही चीज़ें हैं सारी, कोई नई चीज़ नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी अगर हमने कम करनी है यहाँ से, यहाँ पे हमने जो है वो इसकी ट्रांसपेरेंसी की मुख्तलिफ किस्में हैं, ये रेडियल, रेक्टेंगल और उसके बाद एलिप्टिकल फाउंटेन वगैरह वगैरह, तो इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके वेक्टर पे अगर कर सकते हैं, करनी हो तो कर सकते हैं, फिट मैप के ऊपर भी कर सकते हैं और ये उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी हम सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी डिटेल में यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, तो ये वाला करना है, ये वाला राउंड करना है, ये वाले सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर हमने ये देख लें, इसका राउंड होने का तरीकाकार ये होगा चारों साइडों से बराबर। अगर लॉक खोल करके, लॉक को ओपन करके आप एक साइड से इसको करेंगे तो तब भी हो सकता है, और अगर करेंगे तो चारों साइडों से भी हो सकता है इसका। तो इसके ऊपर ये यहाँ से ऐसे हो सकता है, ठीक है, देखिए ये ऐसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर ये पढ़नी ज़रूरी है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद समरी में क्या होता है जी, कि ये चीज़ें जो इसके अंदर क्या है, सेक्शन वन ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, लेयर वन है, टाइप रेक्टेंगल है, ठीक है, ये नॉन, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। और अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो स्क्रॉल टैब मोड, इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं सारी एक ही दफ़ा आ जाएंगी सारी यहाँ पे। आप स्क्रॉल करके बजाय इसके ऊपर क्लिक करने के, आप स्क्रॉल करके नीचे चलते जाएं और आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के वाले से सारी चीज़ें यहाँ पे आती जाएंगी। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे करें क्लिक या इसको ना करें, जिस तरह आपको मर्ज़ी हो आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली। तो मैंने शॉर्टली थोड़ी फास्ट की क्योंकि ऑलरेडी हम इनको बड़ी डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक लेसन था, ये हमारा पढ़ना हमारे लिए मजबूरी था, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जिसको हमने पढ़ लिया। ऑब्जेक्ट मैनेजर के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें जो हम छोड़ रहे हैं वो एडवांस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और कहीं ना कहीं बीच में डिस्कस करेंगे, तो इसको हम जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है आज का हमारा लेसन इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सीखते रहें। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका अमीन अज़र हो। अल्लाह हाफिज़।